समझते हैं सीपीआई के बारे में। सीपीआई बोले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या करता है, सीपीआई क्या करता है, सीपीआई मेजर द प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर। ओके, रिटेल बायर बोले तो जो आम लोग, हम लोग जब किसी शॉप में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग किस तरीके से मार्केट में जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना, चेंजेस हो रहे हैं, तो उसे मेजर करता है कौन, सीपीआई। ओके, जैसे मैं गया और एक दूध का पैकेट लिया, तो जो मिल्क का पैकेट है, पहले मान लो हाफ लीटर का पहले 33 का आता था, फिर 34 का आने लगा, फिर 35 का आने लगा, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसको मेजर करता है सीपीआई। ओके, जबकि आपको इससे पहले मैंने बताया था डब्ल्यूपीआई के बारे में, वो रिटेल लेवल पे नहीं करता है, वो होलसेल लेवल पे जो प्राइसेस होते हैं, जो कीमतें होती हैं, उनको मेजर करता है। ओके, आगे समझते हैं। इट मेजर्स चेंजेस ओवर टाइम इन द लेवल ऑफ रिटेल प्राइसेस। रिटेल प्राइसेस आपको फिर बता दें कि जो आम लोग जिस कीमत पर सामान, आम लोगों को जिस कीमत पर सामान मिलता है, उसको बोलते हैं रिटेल प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड गुड्स। यहाँ पर जब सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है, तो वहाँ कुछ वस्तुएं शामिल होती हैं, जो बेसिक नीड्स की जो सारी वस्तुएं उसमें शामिल होती हैं, इवन सर्विसेज भी शामिल होती हैं, ठीक है ना। ऑन विच कंज्यूमर्स ऑफ अ डिफाइंड ग्रुप स्पेंड दियर इनकम। जैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको पता है कि जो एक नॉर्मल कंज्यूमर होगा, वो खाने में, दवा में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये बेसिक नीड्स होती हैं, तो इनको शामिल किया जाता है सीपीआई में। तो यहाँ पर सिलेक्टेड गुड्स होती हैं, और उन सिलेक्टेड गुड्स में कितना चेंज आया, ठीक है ना, उनकी कीमतों में कितना चेंज आया, वो कौन मेजर करता है, सीपीआई। आप जरा ये समझिए, पहला फैक्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, सीपीआई जो कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस लेवल एट द कंज्यूमर लेवल। ओके, जबकि डब्ल्यूपीआई क्या करता है, प्रोड्यूसर लेवल पर, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो रिटेल लेवल होते हैं, उसके ऊपर के लेवल में जो प्राइस चेंज होता है, वो कौन काउंट करता है, या फिर कौन मेजर करता है, डब्ल्यूपीआई। जैसे मैं गया किसी शॉप में और मिल्क का पैकेट लिया, तो मुझे मिला हाफ लीटर का, मान लो 35 रुपए का। ओके, लेकिन जो शॉप वाला होगा, उसको भी तो यही मिल्क का पैकेट कुछ मिला होगा, तो हो सकता है पहले वो 28 का मिलता हो, बाद में उसको मिलने लगा 29 का। तो ये WPI इसको मेजर करेगा, जबकि CPI किसको, इसको मेजर करेगा। वो देखेगा पहले यही मिल्क का पैकेट मिलता था 33 का, और अब मिलने लगा है 35 का, और WPI इस लेवल पे। ओके, एक चीज जो डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है कि CPI कैन कैप्चर द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेस, जबकि WPI कैन नॉट, ठीक है ना। यानी जो सर्विसेज होती हैं, एक तो गुड्स होती हैं, जैसे खाने पीने की, हम फल लिया खा गए, वो है गुड्स, ठीक है। सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी खाओगे नहीं, समझ गए ना, तो वो उनको टच भी नहीं कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो सेवाएं होती हैं, ठीक है। तो CPI क्या कर सकता है, क्योंकि हम इंसान क्या है, सिर्फ गुड्स से नहीं, सर्विसेज भी हमको चाहिए, ठीक है, जो हमारे वाटर सप्लाई होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो CPI इनके प्राइस चेंज को भी क्या करता है, मेजर करता है, जबकि WPI में सिर्फ और सिर्फ गुड्स शामिल होती हैं। तो आपको याद रखना है, CPI में गुड्स प्लस सर्विसेज, जबकि WPI में सिर्फ शामिल होंगी हमारी गुड्स। ओके, आगे समझते हैं। देखो इंडिया में ना इतनी डिस्पैरिटीज़ हैं, इतने तरह के लोग होते हैं कि एक CPI से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ बीच में हैं, तो अलग अलग जो सेगमेंट हैं कंज्यूमर्स के, ठीक है ना, जो बहुत गरीब होगा वो अलग, उसकी जो जीवन जिसमें चल रहा होगा वो वस्तुएं अलग होंगी, जो बहुत अमीर होगा उसके लिए जो चीज़ों को वो यूज़ करता होगा, हो सकता है काफ़ी उसमें चेंजेस हों। ओके, तो कुल मिला के 4 CPI अडॉप्ट किए गए इंडिया में। पहला कौन सा है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI अर्बन, UNME बोलते हैं, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ठीक है ना, नॉन मैनुअल, ठीक है ना, जो ऐसे मशीनों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। CPI एग्रीकल्चरल लेबर, जैसे किसान वगैरह, ठीक है ना। CPI रूरल वर्कर, जो रूरल क्षेत्र में जो हमारी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 4 अलग अलग सेगमेंट बांटे गए हैं, ठीक है ना। तो इन सब के लिए अलग अलग CPI को कैलकुलेट किया जाता है। अब पूछा क्या जाता है वो समझिए, पूछा जाता है कि ये कौन पब्लिश करता है, इसका बेस ईयर क्या है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं आगे। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर को कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। CPI UNME ये डिसकॉन्टिन्यूड, अब ये पब्लिश नहीं होता है। CPI एग्रीकल्चर लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट।
सीपीआई रूरल वर्कर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल वर्कर, सेम मिनिस्ट्री इन तीनों का डाटा पब्लिश करती है। ओके, आगे समझते हैं एक एक करके। पहला समझते हैं सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका यूज होता है डीए को डिटरमाइन करने में। डीए समझते हो ना, डीएनएस अलाउंस, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, या फिर दूसरे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको कितना डीए मिलना चाहिए, इसको डिटरमाइन करने का एक तरीका है। इसकी हेल्प ली जाती है किसकी? इंडस्ट्रियल वर्क, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की। इसको पब्लिश करता है, कंपाइल्ड एंड मेंटेन बाय लेबर ब्यूरो, लेकिन अभी आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करती है, तो को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है मंत्रालय। ओके, तो ये है उसका विभाग। तो पूछा ये भी जा सकता है कि कौन से मंत्रालय करता है या फिर कौन सा विभाग करता है, तो आपको दोनों याद रखना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का लेबर ब्यूरो इसको कंपाइल एंड मेंटेन करता है। ओके, इसका बेस ईयर पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा इसमें चेंजेस हुए हैं, इसका बेस ईयर 2016 है, लेटेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। आगे समझते हैं, दूसरा है हमारा सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। ओके, ये आपको बताया था क्या आ चुका है, हमारा डिसकॉन्टिन्यू हो चुका है। सो अर्बन सेगमेंट में जो लोग रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में, ठीक है ना, वो जिन चीज़ों को यूज करते हैं, जिन सर्विसेज को यूज करते हैं, उनमें जो प्राइस चेंजेस किस तरीके से हो रहा है, जैसे अर्बन क्षेत्र के लोग हैं उनको पता है कि आप ये पांच चीज़ें बेसिकली यूज करते हैं, ये दवाएं यूज करते हैं, ठीक है ना, ये सर्विसेज यूज करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवर वगैरह वगैरह, तो उनकी कीमतों में कितना फर्क आ रहा है, कितना चेंज हुआ है, उसको कौन काउंट करता था? सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। ओके, इसका भी यूज होता था किसमें? डिटरमाइनिंग डीए का, ठीक है ना, डीए निकालने में। किसका? कुछ फॉरेन कंपनीज में जो काम करते थे एम्प्लॉय, ठीक है ना, जो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट होती हैं। ओके, जैसे कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, एयरलाइंस हो सकती है, एम्बेसी वगैरह, इंश्योरेंस, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें जो लोग काम करते थे उनका डीए कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। इसका बेस ईयर था 1984-85, लेकिन अब इसको भूल जाइए। ओके, हो क्या गया है, इसको 2011 से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब नहीं आता है, ठीक है ना, यानी आउटडेटेड हो चुका है। अब इसकी जगह जो आता है वो है सीपीआई अर्बन। ओके, तो अब आगे हम सीपीआई अर्बन समझेंगे, तो अब आपको इसमें से ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको समझाना था कि इसकी जगह अब आने लगा है सीपीआई, यानी कि ये जो काम करता था वही अब काम करता है सीपीआई अर्बन। आगे समझते हैं सीपीआई एग्रीकल्चर, ये यूज करने काम आता है मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चर, जो कृषि श्रमिक होते हैं, कृषि श्रमिक, ठीक है ना, एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, उनको मिनिमम कितना वेज मिलना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना दिहाड़ी मिलना चाहिए, ठीक है ना, उसको काउंट करने का, उसको मेजर करने का एक इसका यूज किया जाता है, किसका? सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का। इसको भी सेम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो द्वारा कंपाइल किया जाता है। इसका बेस ईयर है 1986-87। ओके, आगे समझते हैं सीपीआई रूरल वर्कर, ये बेसिकली आपको मगन रहेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना। सो इट इज यूज टू डिटरमाइनिंग मिनिमम वेजेस एंड दोज फॉर द गवर्नमेंट्स रूरल जॉब प्रोग्राम अंडर, ठीक है ना। तो मनरेगा में, मगनरेगा में कितना पैसा मिलना चाहिए उन लोग जो काम करते हैं, तो वो डिसाइड होता है हमारा सीपीआई रूरल वर्कर से। जब भी मान लो इसमें कीमतें बढ़ाई जाती हैं कि 50 पर बढ़ा दिया गया, तो इसकी हेल्प ली जाती है किसकी? सीपीआई रूरल वर्कर की। और कौन करता है? सेम लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आने वाला। इसका बेस ईयर थोड़ा और पहले चला गया 1983। यहाँ पे थोड़ा आपको मुश्किल होगी क्योंकि बेस ईयर सबके चेंज हो रहे हैं, बट कोई ना, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे समझते हैं क्या होता है, रिसेंट चेंजेस क्या हैं। 2011 में, ठीक है ना, CSO, लेकिन अब उसका नाम क्या हो गया, मर्ज हो गए, ठीक है, पहले क्या थे, NSSO थे, CSO था, इसको मर्ज करके बन गया है NSO। ओके, 2011 में NSO ने, अब क्या हुआ है कि यहाँ पर तीन अलग से आए हैं, एक होता है CPI अर्बन, एक होता है CPI रूलर, और एक रिलीज किया जाता है CPI कंबाइंड। तीन CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और पूरे इंडिया के लिए कंबाइंड, ये और भी रिलीज किए जाते हैं। इनका सबका बेस ईयर 2012 है, ठीक है ना। कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, स्टैटिस्टिकल ऑफिस काफी मुश्किल है। ओके, NSO इसको रिलीज करता है और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉस्पी याद रखना है, मॉस्पी,
सांख्यिकी मंत्रालय आप बोल सकते हो, ठीक है ना। सो सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एनएसओ द्वारा इसको रिलीज किया जाता है इन तीनों को। अब क्या होता है, जो एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है ना, यूज सीपीआई डाटा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब कहते हैं ना कितना इन्फ्लेशन है ये पता तो होना चाहिए ना, तो डेटा कहाँ से आता है, डब्ल्यूपीआई से नहीं आता है, कहाँ से आता है, सीपीआई से आता है। और 2014 में आरबीआई ने भी यही कहा था कि सीपीआई को एक की मेजर माना जाएगा, किसको, इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए। तो इतना समझ लो इंडिया में जो इन्फ्लेशन का मेन जो डेटा आता है ना वो सीपीआई से ही जो हमारा डेटा आता है उसको माना जाता है, क्योंकि एमपीसी भी उसी पर काम करती है और आरबीआई भी क्या मानती है, इस सीपीआई के डेटा को ही मानती है। और ये बेहतर भी है क्योंकि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज शामिल ही नहीं है। ओके, जबकि इंडिया का सर्विस सेक्टर कितना बड़ा है और हर एक इंसान क्या सिर्फ वस्तुएं खाता है, सॉरी वस्तुएं को यूज करता है, सेवाओं का भी तो यूज करता है, ठीक है ना। तो सीपीआई में जो सेवाएं शामिल होती हैं इस वजह से जरूरी है कि इसी को यूज किया जाए एज ए की मेजर, ठीक है ना, कि इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है। ओके, तो ये थे हमारे रिसेंट चेंजेस इन सीपीआई। आगे समझ लेते हैं हाउ सीपीआई इज कैलकुलेटेड। तो यहां पर सॉरी, ओके, हाउ सीपीआई इज कैलकुलेटेड। तो सीपीआई में क्या होता है, एक बेस ईयर दिया जा रहा है। तो होता क्या है कि मान लो 10 ये कोई भी 10 चीज़ें थी जो हमने मान लिया कि ये गांव के लोग यूज कर रहे हैं या फिर शहरी लोग, उनकी कीमत थी 100 रुपये आज के समय में है, लेकिन जो बेस ईयर है तब पता चला कि उसमें जो कीमत थी उन्हीं वस्तुओं की 90 रुपये थी, तो कीमत बढ़ गई ना यहाँ पर, ठीक है ना, 10 रुपये बढ़ गई। तो वही हुआ सीपीआई और सीपीआई एस इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर एक बास्केट होती है जहाँ पर गुड्स कुछ वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं, उनको कंपेयर किया जाता है, प्राइसेस आर द प्रीवेलेंट ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। यहाँ प्रीवियस ईयर का मतलब है बेस ईयर में, ठीक है ना, एक बेस ईयर जो बोला गया ना 2011-12 जैसे हमारा है, तो इस बेस ईयर में उन्हीं चीज़ों की कीमत कितनी थी वो निकाली जाएगी और आज कितनी है वो निकाली जाएगी, ठीक है ना। सो कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन द गिवन ईयर वो यहाँ पर आएगी, उसको डिवाइड किया जाएगा बेस ईयर की कॉस्ट से और डिवाइड इंटू 100। तो मान लो एक सामान था जिसको 100 रुपये मिला करता था, ठीक है ना, आज मिल रहा है, लेकिन आज से बेस ईयर में कब मिलता था, वो आज 90 रुपये का मिलता था या मान लो 50 रुपये का मिलता था, ओके, और अब मिल रहा है 100 रुपये में, तो इसको इस तरीके से निकाल लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा सीपीआई कैलकुलेट करने का तरीका। आज हमारा क्या प्राइस चल रहा है, ओके, और बेस ईयर में क्या चल रहा था, उन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सीपीआई को कैलकुलेट किया जाता है।